नेपाल की गोद में बसा हुआ माउंट एवरेस्ट धरती पर किसी जन्नत से कम नहीं। दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी का जब भी जिक्र आता है तो विशालकाय बर्फीले चट्टानों की झलक याद आ जाती है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े माउंट एवरेस्ट को देखने नेपाल में हर साल कई यात्री जाते हैं, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी है कि इसको पार करना इतना भी आसान नहीं। अपनी मुश्किल ट्रैकिंग रास्ते और खतरनाक चढ़ाई के चलते ही हर साल कई पर्वतारोही यहाँ आते तो हैं, पर बेहद ही कम होते हैं जो इस चोटी को पार कर पाते हैं। नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाने वाला पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इतनी ऊंचाई के चलते हर साल हजारों की संख्या में पर्वतारोही यहाँ खींचे चले आते हैं। सालों साल ये संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। पर्वतारोहियों का कहना है कि इस पर्वत के ऊपर पहुंचने की जो फीलिंग है वो उन्हें इस पर्वत की ओर खासा आकर्षित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से क्या दिखता है? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया की इस सबसे ऊंची चोटी के ऊपर से आखिर दिखता क्या है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री बिहाइंड माउंट एवरेस्ट। 8,848 फीट ऊंची इस पर्वत की ऊंचाई सबसे पहले 1856 में ब्रिटिश इंडिया द्वारा किए गए सर्वे से पता चली थी। हालांकि तिब्बत के स्थानीय लोग इस चोटी को चोमो लुंगमा चोटी के नाम से जानते हैं, लेकिन ब्रिटिश सर्वेयर एंड्रयू वॉ ने सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस चोटी का नाम एवरेस्ट रखा। दुनिया की ये चोटी हमेशा से ही पर्वतारोहियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है, फिर चाहे वो कोई नया पर्वतारोही हो या अनुभवी खिलाड़ी, सभी इस चोटी को पार करना चाहते हैं। आपको बता दें कि यहाँ आने वाले पर्वतारोहियों का मानना है कि ये सबसे खतरनाक चढ़ाइयों में से एक है और इसको पार कर पाना हर किसी माउंटेनियर के बस की बात नहीं। यूली स्टैक पर्वतारोही के साथ हुई घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दुनिया के सबसे कुशल माउंटेनियर यूली स्टैक ने इस पर्वत की चढ़ाई पर दम तोड़ दिया था। इससे पता चलता है कि यहाँ प्राकृतिक खतरे, ऊंचाई पर होने वाली कमजोरी, मौसम और हवा ऊपर चढ़ने में कई मुश्किलें पैदा करती है। इन खतरों से हाई अल्टीट्यूड पर निपटना काफी मुश्किल होता है। हर साल भारी तादाद में पर्वतारोही यहाँ आते हैं, लेकिन इस सेंसिटिव जोन में सभी माउंटेनियर का बचना बेहद मुश्किल होता है। जैसे जैसे हम माउंट एवरेस्ट से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, रास्ता और भी खतरनाक होता चला जाता है। असल परीक्षा तो 8000 मीटर से ऊपर जाने के बाद शुरू होती है। इस इलाके को पर्वतारोही डेथ जोन के नाम से बुलाते हैं, जहां परिस्थितियां इतनी खतरनाक होती हैं कि अगर किसी वजह से पर्वतारोही की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप कभी इस चढ़ाई का हिस्सा बनते हैं तो रास्ते में जाते हुए ऐसे कई शव देख सकते हैं जो चढ़ाई वाले रास्ते पर जमे हुए होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पहुँचने के क्रम में अब तक 1000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ने वाला हर 10 में से एक शख्स ऐसा होता है जो इसकी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कैंप से निकलता तो है पर कभी वापस बेस कैंप में नहीं लौटता। इसका कारण यहाँ 321 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से चलने वाली हवा होती है। ठंड इतनी ज्यादा होती है कि टेम्परेचर -62 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ऐसे में एक आम इंसान का बचपाना बेहद मुश्किल होता है। सबसे पहली चढ़ाई। आपको शायद जानकर हैरानी हो, हर साल नेपाल के बाद सबसे ज्यादा माउंटेन क्लाइंबर्स अमेरिका, ब्रिटेन और भारत से आते हैं। इस चोटी की ऊंचाइयों को छूने वाला पहला पर्वतारोही भी नेपाल से ही था, जिसके नाम 21 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने का रिकॉर्ड है। दरअसल इस पर्वतारोही ने 1953 में माउंट एवरेस्ट की यात्रा शुरू की थी। इनसे पहले टॉम बर्डिलन और चार्ल्स इवांस के दल को सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए भेजा गया था। काफी हद तक ये पर्वतारोही अपनी इस यात्रा में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद ये रिकॉर्ड पहले ही किसी और के नाम लिखा जा चुका था, इसलिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से महज 300 फुट की दूरी पर इन दोनों पर्वतारोहियों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कम मात्रा और टेम्परेचर में आई गिरावट को ये दोनों माउंटेनियर सह नहीं पाए और थके हारे वापस लौट आए। इस घटना के 2 दिन बाद ही ये मौका न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली शेरपा तेंजिंग नोर्गे के हाथ लगा। हालांकि इससे पहले तेंजिंग कई बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने में असफल रहे थे, लेकिन वो हमेशा से ही इन वादियों के पीछे के नजारों का लुत्फ उठाना चाहते थे, मगर ऐसा करने में हर बार मिली असफलता के कारण वो इस बार पक्के मन से माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़े और 29 मई 1953 को सुबह 11:30 बजे चोटी पर पहुंचे।
इस यात्रा में सबसे पहले हिलेरी ने शिखर पर कदम रखा और फिर ये दोनों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाले पहले पर्वतारोही बन गए। हालांकि बढ़ते दिनों के साथ माउंट एवरेस्ट के कारण नेपाल के पर्यटन में काफी उछाल देखा गया है, लेकिन बढ़ रहे पर्यटन ने नेपाल के लिए एक और समस्या खड़ी कर दी है। जी हाँ, आए दिन पर्वतारोही चोटी पर चढ़ने की मंशा को लेकर एवरेस्ट की ऊंचाई पर जाते तो हैं, पर रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी चोटी पर ढेर सारा कचरा छोड़ आते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि आज माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर 50 टन से भी ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया है। हालांकि 29 नेपाली पर्वतारोहियों के दल द्वारा 16 टन कचरा हटाया भी गया है। 42 दिन तक चले इस सफाई अभियान में हर दिन पर्वतारोहियों ने 7 घंटे तक काम कर याक की मदद से इस कचरे को नीचे भेजा, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का मानना है कि अब भी एवरेस्ट में 50 टन कचरा बचा हुआ है। आपको बता दें कि ये एवरेस्ट सफाई अभियान 2008 से चल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सागरमाथा चोटी पर बढ़ते इस कचरे के ढेर से माउंट एवरेस्ट कहीं दबता जा रहा है। इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता में भारी गिरावट आ रही है, साथ ही इसका इकोसिस्टम भी खराब हो रहा है। हालात इतनी बदतर हो रहे हैं कि दुनिया के जाने माने पर्वतारोही इस बात की ओर चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो माउंट एवरेस्ट के इकोसिस्टम में आए असंतुलन का भुगतान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से इस ओर खासा ध्यान देने की जरूरत है। एक वक्त था कि सुंदर से दिखने वाले इन पहाड़ों की चोटी से नीचे देखने पर बर्फ की चादर में ढके पहाड़ दिखाई देते थे। ये नज़ारे इतने दिलकश होते थे कि इन्हें देखने के लिए पर्वतारोही यहाँ आते थे, लेकिन जैसे जैसे यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ, इस चोटी से दिखने वाले पहाड़ों की खूबसूरती में भी भारी गिरावट आई है। आज हालात ये हैं कि 9 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को तय करके जब पर्वतारोही सागरमाथा की चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें 50 टन कचरे के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता। दरअसल हर साल यहां आने वाले पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, खाने की चीजें, प्लास्टिक बैग और खाली बोतलें चोटियों पर छोड़ देते हैं, जिसके कारण सागरमाथा पर्वत कचरे के अंबार तले कहीं दबता जा रहा है। आज इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर माउंट एवरेस्ट की जगह कचरे का पहाड़ नजर आता है। यहाँ आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। हाल ये है कि जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो माउंट एवरेस्ट की श्रृंखला में भूचाल आ सकता है, जिससे इसकी ऊंचाई कम हो सकती है। दरअसल भागदौड़ भरी दुनिया से दूर ये पर्वत एक सेंसिटिव जोन में आता है, जहाँ छोटी सी हरकत से भी भूकंप या भूस्खलन का खतरा बना रहता है। ऐसे में अगर इतनी भारी मात्रा में एवरेस्ट का कचरा इकट्ठा होता रहा तो ये नेपाल के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से क्या दिखता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से पहाड़ों की श्रृंखला पर कचरे का ढेर दिखाई देता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।